और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का प्लेन भावनगर उतरा, वहां पर सीएम विजय रूपानी ने उनका स्वागत किया। ताऊते तूफान से हुए असर का हवाई सर्वे करने प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और यही वो विमान है प्रधानमंत्री का जो कि भावनगर उतरा है। 9:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी इस विमान ने और यहां पर अब हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री इसी हेलीकॉप्टर पर। भावनगर से पीएम मोदी ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में ताऊते तूफान ने काफी तबाही मचाई है, खास करके जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। खुद वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, फसलों को नुकसान हुआ है, जो वहां के किसान हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, कई पेड़ यहां पर जमींदोज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कई गांवों की गुल हो गई है। इन सभी को रिस्टोर करने में काफी समय लगेगा और मदद की भी जरूरत होगी। ये देखिए तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री जब भावनगर पहुंचे तो वहां पर खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी यहां पर पहुंचे थे और यहां से अब प्रधानमंत्री हवाई सर्वे के लिए निकलेंगे और जो जगह जहां जहां का हवाई सर्वे वो करने वाले हैं भावनगर से, वो सीधे उड़ान भरेंगे, ऊना देखेंगे, दीव, जाफराबाद और महुआ, इन इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं और पूरे इलाके का आकलन किया जाएगा कि इन इलाकों में कितनी क्षति हुई है, क्योंकि ताऊते तूफान ने काफी तबाही मचाई है। तेज बारिश, आंधी और तूफान ने काफी कुछ उजाड़ दिया है गुजरात के इन इलाकों में। हमने आपको कई रिपोर्ट्स वहां पर ग्राउंड से दिखाया है कि किस तरह से कई फर्नीचर के जो एरियाज थे जहां पर दुकानें थी वो तहस नहस हो गई, कई पेड़ जो हैं वो जड़ से उखड़ गए, रास्ते ब्लॉक हो गए, बिजली ठप हो गई, गांव के गांव जो हैं वो उजड़ गए, तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस बीच राहत बचाव का जायजा लेने के लिए ये देखिए आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ताऊते तूफान के कहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये तूफान आया तो अपने साथ क्या कुछ बहा ले गया, क्या कुछ उखाड़ ले गया, उसकी तस्वीरें, ताऊते तूफान के तांडव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ये तूफान आया और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चली, बारिश हुई, तो उसके बाद क्या कुछ विनाश लीला गुजरात में देखने को मिली, उसकी तस्वीरें। और इस बीच प्रधानमंत्री का आज गुजरात का दौरा, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं भावनगर, 9:30 बजे दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी, उनका प्लेन भावनगर पहुंच चुका है और उसके बाद अब यहां से वो निकलेंगे। गोपी खांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं भावनगर और अब आगे का उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बताया जा रहा है कि कुछ एक इलाके हैं जिसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी उनके साथ हैं और ये पूरा हवाई सर्वेक्षण जो है वो गुजरात के 3 जिलों का रहेगा, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जो दीव है उसका भी ये हवाई सर्वेक्षण रहेगा। प्रधानमंत्री यहाँ पे अमरेली में जो साइक्लोन आया था, चक्रवाती तूफान ताऊते, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान उन समुद्र किनारे वाले जिलों में है, उन शहरों में है जहाँ पे चक्रवात टकराया था। प्रधानमंत्री एरियल सर्वे करेंगे वहां पे और उसके बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे और अहमदाबाद में सभी जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी। श्वेता, बिल्कुल गोपी, खुद मुख्यमंत्री वहां के रूपानी कह चुके हैं कि काफी नुकसान पहुंचा है गुजरात में, न सिर्फ मकानों, दुकानों और तमाम इमारतों को, बल्कि वहां जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्हें भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। जो सरकार जो है वो मदद के लिए, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वो भी मदद करेगी और इसके लिए सामने आएगी, इसको लेकर भी जाहिर सी बात है बातचीत होगी। बिल्कुल, इसको लेकर भी बातचीत होगी क्योंकि मैं आपको बता दूं श्वेता, करीब 40,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल जो है वो गिर गए हैं। कम से कम वहाँ पे जो बिजली रिस्टोर करना या वहाँ पे नॉर्मल लाइफ को लाना वो और 10 से 15 दिन का काम वहाँ पे लगेगा। तो वैसे में ये सारी चीजों की रिव्यू की जाएगी जो गुजरात के पावर मिनिस्टर है सौरभ पटेल, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी कि किस तरीके से बिजली को एक बार फिर वहां पे रिस्टोर किया जाए। क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए तो भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ जिले के कई ऐसे गांव हैं, करीब 2,000 जितने गांव हैं जहां पे अभी भी बिजली नहीं है।
तो उन बिजली को किस तरीके से रिस्टोर किया जाए उसको लेकर भी बातचीत होगी। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि समुद्र किनारे पे किसान जो है वहाँ पे और सौराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज्यादा फसल होती है, किसानी होती है, तो वैसे में उन लोगों के नुकसान को किस तरीके से भरपाई किया जाए इसको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, आप नजर बना रखे गोपी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर टूलकिट केस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि टूलकिट बनाने वाली कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस इस भ्रम को फैला रही है। कांग्रेस ने फौरन जवाब दिया कि बीजेपी फर्जीवाड़े से बाज आए। आपको हम बता दें कि कल ही संबित पात्रा सामने आए थे, बाकायदा अपने साथ काफी प्रूफ लेकर के वो बैठे थे मीडिया के सामने और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि एक टूलकिट कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है जिसमें कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोविड को किस तरह से, कोविड के मौके को एक अपॉर्चुनिटी के मौके पर देखा जाए, कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है, उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी राइटली दे पुट केस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। टुडे बीजेपी इज क्लेमिंग द फॉल्स प्रोपेगेंडा इज डन बाय Congress, we are not making any false propaganda. Whatever Prime Minister has told when he was concentrating on election, but he has not taken any serious about second wave. He has not informed to anybody. When he got the information, why he has not informed to the other states? आप intentions के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी, उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन द कांग्रेस पार्टी प्लुमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय ट्राइंग टू फाइल एफ आई आर अगेंस्ट हिम। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूलकिट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी और आज आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। कांग्रेस पार्टी ने एक सजग सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा भारत सरकार को चेताया है। यह सरकार तो जैसे कल हम लोगों ने अपनी वर्किंग कमेटी में भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट हैज एबडिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने तो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी से मुक्त एक तरीके से लगता है हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए वक्त वक्त पर राहुल जी ने सरकार को चेताया है। रत्ती भर भी अफसोस है कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से पिछले एक डेढ़ वर्ष के अंदर जिस तरीके से हमारे देश का हाल किया है। अरसे बीजेपी देश में और प्रधानमंत्री जी और देश के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं और मिलजुल करके सभी सरकारों के साथ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर, वहाँ क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस बड़ी, इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है नड्डा जी, सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, आपको दोनों कान खोलकर आज अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए झूठे कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। एक ओर देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासत चरम पर है। कभी प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो कभी टूलकिट का जिन बाहर आ जाता है। कोरोना के बीच सियासत का कैसे चल रहा है खेल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है,
उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत ने प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज वही प्रोटोकॉल जंग एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम से बातचीत लाइव टेलीकास्ट हुई, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल की चर्चा टेलीकास्ट करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो इस बार आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चले कि कौन सी बैठक से लाइव प्रसारण हो सकता है और कौन से में नहीं? एक ओर पीएम के लाइव टेलीकास्ट पर सियासत हुई, तो दूसरी ओर पात्रा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल, और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। आज भी 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज मारा। मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज दर्दनाक स्थिति में ना होता। एक ओर कोरोना की मार झेल रहा देश, तो दूसरी ओर कोरोना पर जारी सियासत जो देश में कोरोना की जंग को लगातार कमजोर कर रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का राज हो, इंतजाम पूरी तरह से गुल है लेकिन सियासत फुल है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि मुंबई के पास समंदर से आ रही है, जहां पर फंसे जहाज को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन काफी घंटों से चला रही है। बचाव ऑपरेशन में अब तक 184 लोगों को सही सलामत बचाया भी जा चुका है, लेकिन बुरी खबर ये कि 14 शव भी बरामद किए गए हैं। मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स दूर ये जहाज बहकर वहां पहुंच गया था और इस पर सवार लोगों की रक्षा के लिए नेवी ने ऑपरेशन चलाया था, जिसे अब काफी घंटे बीत चुके हैं। बार्ज P305 तूफान की वजह से बह गया था। 14 शव अब तक बरामद किए गए हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं इस ऑपरेशन में जो कि नेवी द्वारा चलाया जा रहा है। समंदर में फंसा ये जहाज ताऊते तूफान के बाद ये किनारे से काफी आगे तक बह गया था। 184 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है सही सलामत, लेकिन
14 शव भी बरामद किए जा चुके हैं। मुस्तफा शेख उस जहाज तक पहुंचे और देखा कि कैसे यहां लोगों ने जिंदगी की जंग लड़ी है, काफी घंटों तक संघर्ष किया है। एनएस कोची के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हम, जिन लोगों को 5P305 से रेस्क्यू किया गया, वो इंजर्ड लोग और जो लोग थे वो यहाँ पर आज क्रू देखेंगे आपके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नेवल डॉकयार्ड से उनकी ट्रीटमेंट होगी आगे हॉस्पिटल में जाकर के। एक बड़ा ही रेस्क्यू ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने इस वक्त अंजाम दिया है। 17th की नाइट को साइक्लोन तौकते, भारी बारिश अरेबियन सी में, उसके साथ तूफान, और ऐसे वक्त में एक घंटे में SOS कॉल रिसीव करने पर 65 किलोमीटर जो मुंबई से तट पर है वहां पर इंडियन INS कोची पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, 12 से 24 घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अभी तक भी कई लोग मिसिंग है, कई लोगों की जानें बचाई गई है। एक बहुत चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में अंजाम दिया। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। वहीं जहाज से बचे लोगों के लिए सकुशल उफनते समंदर से निकल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये वो लोग हैं जो उस वक्त जहाज में मौजूद थे, अब बाहर निकल आए हैं और उस वक्त को याद कर रहे हैं जब हर तरफ गरजते समंदर में जिंदगी की पुकार खोती जा रही थी। सर, हम लोग 1GC का काम कर रहे थे, हम लोग HRD प्लेटफॉर्म पे, आयनमैन पे हम लोग सर 24 घंटे तक थे उधर ही। 16-17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। हम लोग का नेवी वाले रिक्शे किए, बहुत अच्छे से रिकवरी किए हम लोग को, वो लोग बहुत बोले तो अच्छे से वो लोग अपना ये किया। अभी बच गए तो अभी इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है, नया जन्म बोला जाएगा सर मौत को। हाँ सर, बहुत हेल्प किया उसने इंडियन नेवी ने। हाँ सर, घंटों तक पानी में थे, 8-10 घंटे तक। ऐसी कंडीशन आपने कभी समंदर में देखी इससे पहले? जब कभी नहीं सर, मेरे साथ पहली बार हुआ। 20 घंटा मेरे साथ 4 आदमी, चारों रेस्क्यू हो गए, चारों निकल गए। किसी को चोट आई है? नहीं, मेरे साथ वाले किसी को नहीं। हुआ था जिस दिन तूफान आया उस दिन क्या हुआ? वो तूफान आ गया, सब जहाज बाहर निकल गया, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट किया, रुक दिया, बोला 4 दिन का काम है, पुल आउट करेगा फिर लाएगा, 4 दिन ऐसे खत्म हो जाएगा, 4 दिन इधर ही रेस्ट कर लेते हैं, तूफान खत्म हो जाएगा, फिर 8-10 दिन काम है खत्म करके निकल जाएंगे। तो तब तक ये रफ ज्यादा हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, पूरा एंकर टूट गया। मैं 3 घंटा पानी में था। साइक्लोन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कितना मौका मिला आप लोगों को बचने का या रुकने का? वो हमको कुछ भी याद नहीं, INS वाला है इसलिए बच गया, नहीं तो वो भी बचने वाला नहीं था। दरअसल ये लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं जब आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। 12 से 14 घंटे का वक्त बीत चुका है जब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेवी की मदद से। नेवी से रेस्क्यू टीम उस वक्त को याद कर रही है जब तूफान उफान के बीच जिंदगी की जंग छेड़नी पड़ी, कुछ नहीं बचे लेकिन ज्यादातर को बचा लिया गया। जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि आप अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख के सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहां आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। स्टार्ट की थी 17 के शाम को और हमने लोगों को रिकवर करना किया समंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवी टर्म डार्क नाइट, तब आपको कुछ दिखा नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसमें ऑपरेट करना जैसे मैं कह रहा था ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। सिंगापुर स्ट्रेन वाले ट्वीट को लेकर केजरीवाल सरकार निशाने पर है, इसी को लेकर इस वक्त मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चले। तत्परता इस पे दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे।
आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं, इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में सिंगापुर में, हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे, और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। थैंक यू। सीधे तौर पर यहां दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि इन्हें अपनी इमेज की चिंता है, विदेश में इनकी इमेज ठीक रहे इसकी ज्यादा चिंता है, लेकिन दिल्ली सरकार को यहां के बच्चों की चिंता है, क्योंकि बच्चों की जो वैक्सीन थी वो विदेशों में भेज दी गई और इस वक्त भी केंद्र सरकार समय नष्ट कर रही है कि कैसे जो भारत की छवि है, जो भारत की इमेज है, वो विदेशों में ना खराब हो। जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है, ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर का मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़कर हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पर, आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं, इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सिंगापुर से आया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये दिल्ली सरकार के विचार हैं, ये पूरा का पूरा मामला दरअसल सिंगापुर से जुड़ा ही नहीं है, कोई सिंगापुर वेरिएंट है ही नहीं। विवियन बालाकृष्ण, उनकी तरफ से यह बयान आया कि तथ्य बताए जाएं, फैक्ट्स बताए जाएं, उसके आधार पर कोई भी बात कही जाए सीएम की ओर से या फिर किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से। केजरीवाल का वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो दरअसल सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर उन्होंने किया था। सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए विकल्प के तौर पर प्राथमिकता से काम किया जाए। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, उनका कहना है कि कोविड से जंग में भारत और सिंगापुर मजबूत सहभागी रहे हैं, सिंगापुर ने भारत से आगे बढ़कर सहयोग किया है, कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी से इस रिश्ते को नुकसान हो सकता है। दिल्ली के सीएम की राय को हिंदुस्तान की राय न माना जाए। अब आपको दिखा देते हैं वेरिएंट दरअसल खतरनाक क्यों है। सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया है जिस स्ट्रेन को बच्चों पर असर पड़ने के केसेस भी पाए गए हैं।
नए स्ट्रेन के बच्चों पर असर पड़ने के केसेस वहां मिले हैं। B1617 स्ट्रेन के खतरे पर सिंगापुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, तब उनसे तथ्य मांगे गए थे, फैक्ट्स मांगे गए थे और ये कहा गया था कि इसे भारत की राय ना माना जाए। सिंगापुर में कोविड का ये नया स्ट्रेन जिसको लेकर खतरे की घंटी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजाई थी। और अब आपको अपडेट दे देते हैं, देश में कोरोना से जुड़े मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। नए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 3,89,000 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा एक चिंता वाली बात है। बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़कर करीब 4,500 तक पहुंच गया है। यह अभी तक का एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हर रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस जो है भारत में आ रहे थे और लगातार हमने देखा था कि 4-5 दिन तक ऐसा हुआ। अभी आज लगातार 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि 3 लाख से भी कम केसेस भारत में आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 2,69,000 के करीब 2,67,000 के करीब जो है नए केसेस आए हैं। और इससे ज़्यादा संतोष की बात यह है कि इन केसेस के मुकाबले जो रिकवरीज हो रही हैं उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा का फर्क है। आज 3,89,000 जो है हमारी रिकवरीज पिछले 24 घंटे में हुई हैं। उसके कारण जो एक्टिव केसेस जो पिछले समय में 37 और 38 लाख के बीच में थे वो अभी 33 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि बीमारी का विस्तार भी रूरल एरियाज़ में और दूसरे स्थानों पर भी हो रहा था तो हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि कल भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए और बहुत जल्दी ये संख्या हम जो है इसको 25 लाख टेस्ट रोज तक भी लेकर जाने वाले हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे हमारे प्रोफेशन के लोग लगे हैं, सारा समाज लगा है, पूरी सरकार लगी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है, सरकार के सभी विभाग इस काम में लगे हैं, निश्चित रूप से कोविड की ये जो सेकेंड वेव है इसको हम लोग कंट्रोल करने में सफल होंगे।